विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल सरकार 50 वर्षों के विकास की गाथाओं को अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित कर रही है। कोरोना के चलते यह कार्यक्रम पहले नहीं हो पाए, लेकिन अब कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत ये आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत 17 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 11 बजे हिमाचल विधानसभा में अपना संबोधन देंगे। विदित है कि 50 वर्ष पूर्ण राज्य के हिमाचल प्रदेश में हो चुके हैं और उसको हिमाचल प्रदेश सरकार स्वर्णिम वर्ष के रूप में मना रही है। तो 50 वर्ष हो गए और इन 50 वर्षों को हिमाचल प्रदेश सरकार अलग अलग कार्यक्रमों के रूप में आने वाली पीढ़ी को या वर्तमान समाज को उन बातों का उल्लेख करना चाहते हैं कार्यक्रमों के माध्यम से कि जब ये राज्य अस्तित्व में आया था और आज तक इसकी जो विकास की गाथाएं हैं उसमें हिमाचल प्रदेश के लोगों का जो अद्वितीय रोल रहा है उनका व्याख्यान करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों का मकसद उन सभी विभूतियों को याद करने का है जिन्होंने हिमाचल के विकास की गाथा लिखी है। दूसरा, समय समय पर इन 50 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जिस भी राजनीतिक पार्टी को अपना विश्वास दिया, मत दिया, और उस विचार या मत के आधार पर जिस पार्टी के व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, सरकार चलाई, उनकी भूमिका को भी याद करने का ये मौका हमारे पास है। विपिन सिंह परमार ने बताया कि इससे पूर्व दो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी विधानसभा को संबोधित कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस विशेष सत्र में कुल वर्तमान और निवर्तमान 93 विधायकों 11 सांसदों ने आने के लिए सहमति जताई है। राष्ट्रपति के संपर्क में आने वाले विधानसभा के 96 कर्मी का RT-PCR टेस्ट होगा। इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों का भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। विपिन परमार ने बताया कि 12 बजे राष्ट्रपति के कार्यक्रम के बाद लाइब्रेरी हॉल में वर्तमान और निवर्तमान विधायकों का सम्मान समारोह होगा, जिसमें पूर्व के मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आज से कुछ महीने पहले शुरू हो जाने चाहिए थे, परंतु कोरोना की क्रूरता के कारण मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे तमाम इस प्रकार के कार्यक्रम स्थगित हुए, कई प्रकार की बंदिशें लगाई गई। आज की तारीख में भी कोरोना कोई रुका नहीं है, थमा जरूर है। कोविड के नियमों की पालना के अनुरूप ही हम ये संदेश देने का ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनको कोरोना के नियमों के अधीन ही किया जाए। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्वर्णिम 50 वर्ष हैं इनको हिमाचल प्रदेश सरकार 51 कार्यक्रमों के रूप में आयोजित कर रही है और उसमें एक कार्यक्रम हमारा इस हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 17 तारीख 11 बजे हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी भी यहाँ पर आएंगे और इस सभागार में जो सिटिंग MLAs हैं, जो पूर्व में रहे MLAs हैं, चाहे उसमें मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे मंत्री रहे हों, चाहे स्पीकर्स रहे हों, या उस समय हो सकता है कि मुख्य संसदीय सचिव रहे हों, जो जिम्मेवारियां रही, या जो ऐसे निवर्तमान सदस्य जो इस विधानसभा के हिस्सा रहे हैं उनको भी हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है ताकि माननीय राष्ट्रपति जी जो संबोधन करेंगे उस संबोधन से हम सभी अभिभूत हो सकें, उस संबोधन से हम सभी हमें उस संबोधन से आने वाले दिनों के विषय मानक जो है वो निर्धारित हो सकें, इसलिए हमने उनको भी यहाँ बुलाया है। लगभग 12 बजे राष्ट्रपति जी का संबोधन समाप्त होने के बाद एक कार्यक्रम इन कंटिन्यूटी हमने और बनाया है जो हमारा लाइब्रेरी हॉल है, वहाँ पर हम सभी वर्तमान निवर्तमान विधायकों को आमंत्रित कर रहे हैं और उनका वहाँ पर सम्मान समारोह होगा और उसमें मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे
दो मुख्यमंत्री, इस समय दो मुख्यमंत्री जैसे शांता कुमार जी और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, दूसरे दल से भी यहाँ पर बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और भी वहाँ पर सम्माननीय विधायक अपने अनुभव कथन, जब जब भी वो इस विधानसभा के हिस्से रहे, जहाँ उन्होंने अपने विधानसभा की सेवा की होगी, वहीं पर उस समय हिमाचल प्रदेश के उस नव निर्माण में उनका जो रोल रहा है, उनके भी अनुभव कथन जो हैं इस लाइब्रेरी हॉल में हम प्रस्तुत करेंगे, जिस पुस्तक का विमोचन माननीय गवर्नर साहब जहां डाइस होता है वहां पर करेंगे, तो और उसकी प्रथम कॉपी जो है राष्ट्रपति जी दिखाएंगे, परंतु राष्ट्रपति जी के जाने के बाद ये कार्यक्रम लाइब्रेरी हॉल में होगा, सभी का सम्मान हम करेंगे। राष्ट्रपति के शिमला दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब राष्ट्रपति रिट्रीट राष्ट्रपति निवास के स्थान पर चौड़ा मैदान स्थित ओबराय सीसिल में ठहरेंगे, जिसके चलते अब चौड़ा मैदान के रूट को वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, यह जानकारी विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने दी। मुख्यतः तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के गठन के मौके पर स्वर्णिम हिमाचल पूर्ण राज्य, ऐसा करके जो हिमाचल प्रदेश इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, और हेतु यही है कि वर्तमान पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से ये बताया जाए कि हिमाचल प्रदेश के गठन से लेकर के आज तक जिन भी राजनीतिक पार्टियों को सरकार बनाने का मौका मिला, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के उत्थान, विकास, तरक्की और खुशहाली के लिए क्या कुछ किया, मुख्य हेतु तो यही है। दूसरा, इस कार्यक्रम को और इवेंटफुल बनाने के लिए और उसका महत्व और बढ़ जाए, तो हमने माननीय राष्ट्रपति जी से कुछ दिन पहले मैंने मुख्यमंत्री जी से मिल करके उनको निमंत्रण दिया था और उन्होंने स्वीकार किया है। अब जब उनका आशीर्वाद हमें यहाँ पर मिलेगा तो इस कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ जाएगी, मुख्यतः तो मैं यही कहना चाहता हूँ। जितने भी निवर्तमान विधायक हैं जिन्होंने अपनी हाँ कही है, उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। 93 के लगभग है जिनको, जिन्होंने हाँ कही है। विपक्ष को भी, वैसे तो विधानसभा की ओर से सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है, और दूसरा मैंने भी व्यक्तिगत बातचीत सभी से की है, कल सर्वदलीय बैठक है तो उसमें विधिवत उनके विचार भी साझा और उनसे भी मशवरा राय ली जाएगी, क्योंकि ये स्वर्णिम हिमाचल पूर्ण राज्य जो है ये सभी का मिला जुला ही प्रयास है, इसको और हम कैसे गरिमामयी बना सकते हैं, तो उनके सुझाव भी हमें मिले हैं, कल भी सुझाव लिए जाएंगे। कोविड के नियमों की अवहेलना बिल्कुल नहीं होगी, RT-PCR होंगे और वही लोग यहाँ पर इनवाइटी हैं, CID पासिस जारी करेगी, वही इस परिसर के अंदर आ सकते हैं, उसके अलावा इसमें किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है।